अपनी जयकारे लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस अद्भुत और ऐतिहासिक कार्यक्रम का बहुत ही सफल संचालन कर रहे और महानगर के नगर अध्यक्ष आदरणीय पटेल साहब और सम्मानित मंच अधिकारी भी है, नगर पालिका के अन्य कर्मचारी अधिकारी भी है और भारत भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, मैं सबको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। सभी को दिल की गहराई से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं। ये बहुत खुशी का मौका है जिस मौके के कार्यक्रम में हम सब लोग उपस्थित हैं और इसके गवाह बने हैं। ये एक ऐसा दिन है जिस दिन हमारे देश में जो काला कानून चला रहा था काफी वर्षों से, उसका खात्मा होकर गया और हमारी नई पद्धति, नया कानून जिसको उसको चलाने का मौका मिला था। ये गणतंत्र दिवस हमारे आप सबके लिए ऐतिहासिक पल है और मैं ज्यादा लंबी बात न करते हुए अपने से पूर्व वक्ताओं से संबंध करते हुए, क्योंकि इतना अच्छा कार्यक्रम था, मैंने ये जो अन्य सात कार्यक्रम है, सात धर्म कार्यक्रम में हिस्सा लेना है, उन कार्यक्रम को संबंध करते हुए मन तो मेरा यह करता है कि इस ऐतिहासिक पल का मैं शाम तक गवाह बना रहा हूँ। इतना अच्छा अच्छा कार्यक्रम, इतने अच्छे अच्छे संगीत का कार्यक्रम और सभी साथियों जो आते हैं सुनने का मुझे मौका मिला, मन करता है कि बीच में रहकर शाम का वैसे कार्यक्रम मगर वो संभव नहीं है। मैंने सात जगह के कार्यक्रम में हिस्सा जुटा रहा अपना, तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि इस ऐतिहासिक पल का आनंद उठाएं। जैसे हम होली दिवाली मनाते हैं ना, उस सबसे महत्वपूर्ण पर्व हमारे आपके लिए, और इस पर्व को धूमधाम से हर गुरुदास के साथ, इसमें किसी किस्म का कोई भेदभाव ना रहे, सब हिंदू मुस्लिम सब त्यौहार का आनंद ले। आप सबने इस ठंड में इस कार्यक्रम में जो हिस्सा दिया, मैं पूरे दिल की तरह से आपको धन्यवाद करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ और अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि गणतंत्र दिवस पुनः शुभकामनाएं आपको सबको मेरा नमस्कार प्रणाम।